press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस बार CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 की जो कट ऑफ है वो 450 प्लस जाने वाली है? क्या यही एक इंटरव्यू के लिए एक सेफ स्कोर होगा, या इसके अलावा या क्या कोई सेफ स्कोर और हो सकता है, इससे कम हो सकता है? इस तरीके के जितने भी सवाल आपके दोस्तों मन में चल रहे होंगे इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो आप लोगों को सुनने को मिल रहा है कि जो कट ऑफ है वो 450-460 तक जा रही है, क्या उससे कम जा सकती है, क्या ये सही है या केवल एक अफवाह है, क्या इंटरव्यू के लिए कॉल ऑन लाने के लिए एक अच्छा स्कोर यही होगा। तो इन तमाम जितने भी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कि कट ऑफ, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि क्या इस बार की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के कट ऑफ से ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दो बातें ध्यान में याद दिलाऊँगा। तो आपको जो दो बातें ध्यान में मैं दिलाने वाला हूँ, बात पहली बात ये है कि लास्ट ईयर जो AE का पोस्ट आया था उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम थी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा से कट ऑफ ज़्यादा गई थी, ये मान सकते हैं आप। उसके अलावा बात करूँ 2020 की, तो 2020 में जो AE की वैकेंसी है उसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा हैं, तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि कट ऑफ जो है थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो उसको बताने से पहले, सबसे पहले यदि हम इसके बारे में सोचें कि कट ऑफ हाई जाए या लो जाए, उसको पहले मैं आपको लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो आपको मैं दिखा दूं। सबसे पहले तो 2016 और 2017 वाले AE के एग्ज़ाम की कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो 2017 यानी कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 200 जनरल की कट ऑफ गई थी वो 422 नंबर गई हुई थी, ठीक है। ये कट ऑफ जो है दोस्तों, ये आपका पेपर वन, पेपर टू और उसके अलावा साथ साथ आपके इंटरव्यू मार्क्स को मिला करके जनरल की लास्ट सीट जो 422 नंबर पे गई थी, ठीक है। इसमें जो है इंटरव्यू के मार्क्स भी आपके ऐड हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और इसी प्रकार OBC के दोस्तों, यहाँ से 5-6 नंबर आप कम कर लीजिए तो ये कुछ स्कोर गया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ को, मैंने वीडियो में पहले बता दिया है आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो क्या कट ऑफ जो अभी अगर आपको सुनने को मिला होगा तो लोग बोल रहे हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो 450, 460 यानी कि 450, 460, 440 नंबर तक भी पहुँच रहे हैं, ठीक है, विथाउट इंटरव्यू के मार्क्स बता रहे हैं अपने वो, ठीक है। तो क्या ये बात सही लगती है आपको, क्या इतने नंबर लोगों के एक्चुअल में आ रहे हैं या केवल ये एक पैनिक कंडीशन क्रिएट करने का एक तरीका है, ठीक है, आपको क्या लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो इस बार ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और पिछले बार जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड का तरीका ही अलग होता है, उसमें आपके पास समय कम होता है और साथ में ही आपको जो है थोड़ा सा सावधानी से पेपर देना होता है, उसमें जो आपको जो है राउंड फिल करने होते हैं, ठीक है, तो उनमें बहुत सारे लोगों की गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे कि हम बात करें पेपर की, तो वाकई यदि मैं मानूं तो पेपर जो है आपका जो पेपर वन GS का आया था वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर सिंपल आया था, ठीक है। लेकिन सिंपल का मतलब ये नहीं है कि पेपर आपका सिंपल बहुत नहीं था, पेपर जो था वो टाइम टेकिंग थोड़ा सा था, जरूर उसमें का जो क्वेश्चन आए थे रीजनिंग और FT के, ठीक है। तो जितना पेपर ईजी था पेपर वन, तो उतना टफ पेपर आपका सिविल का ही आया था। तो दोनों पेपर मिला करके इक्विवेलेंट यदि माने हम, तो ऐसा लगता नहीं है मुझे कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है इस प्रकार से। क्योंकि देखिए, अभी जो लोग अपने जो मार्क्स बता रहे हैं, ठीक है, यदि आप मेरे प्रीवियस ईयर की वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था कट ऑफ को लेकर के, उसमें लोगों ने कमेंट करके बताए हैं अपने मार्क्स, मैंने जैसे कहा था, तो लोग बोल रहे हैं कि उनके 440, 430, 450, यहाँ तक कि उन्होंने कई लोग 480 तक ने अपना दावा किया कि उनके मार्क्स इतने आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने मार्क्स तो जहाँ तक देखिए, अभी बिना किसी एनालिसिस के हम कट ऑफ जो है वो हम पहले से बता नहीं सकते कितनी जाएगी, ठीक है। जब तक फाइनल इसके आंसर की के बाद नहीं आता तब तक हम नहीं बोल सकते, प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन इतने मार्क्स जो बता रहे हैं लोग, मुझे तो यकीन नहीं होता है कि इतने मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि आप यदि देखेंगे तो पेपर इतना भी ईजी नहीं आया था सिविल इंजीनियरिंग का कि लोग इतने मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है। तो एक दोस्तों देखिए, एक बात ये भी हो सकती है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं
कि एक पैनिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए लोग एक अफवाह उड़ाते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए आपके मार्क्स 390 या 400 आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू के नियर बाई हैं, तो लोग ऐसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, अफवाह बढ़ाने रखते हैं ताकि उनको स्टूडेंट को ये लगे कि यार मेरा तो इंटरव्यू कॉल नहीं आ सकता है, कटअप बहुत हाई जाने वाली है। तो वो बंदा क्या होता है दोस्तों, अपनी तैयारी को बंद कर देता है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। तो ऐसे लोग जो उनके आसपास रहते हैं तो और जो अफवाह उड़ाते हैं तो वो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं कि यदि आपके जैसे यदि कोई स्टूडेंट है उसके 5 मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास ही है, तो यदि आप इंटरव्यू की प्रिपेयर नहीं करेंगे तो सामने वाला बंदा इंटरव्यू की प्रिपेयर कर करके वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो एक यही जो प्लान होता है एक पैनिक कंडीशन क्रिएट करने का, इस कारण से लोग अफवाह उड़ाते हैं। लोग यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि उनके 500 से ऊपर मार्क्स जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इम्पॉसिबल है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार आप मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में बढ़ सकती है, बढ़ेगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन पेपर 1 के कारण जो है वो कटअप थोड़ी बढ़ सकती है, ठीक है, ऐसा उम्मीद है। लेकिन कटअप जो है इतनी भी बढ़ जाए ऐसी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो और देखिए इसमें क्या होता है, जैसे लोग जो बता रहे हैं कि उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो जैसे कि वो अपने कॉपी में टिक करके रखे हैं कि हमने ये आंसर इसमें लगाया है, ऑप्शन ए इसमें, इसमें बी लगाया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तो ऑफलाइन मोड था तो इसमें तो दिखता नहीं है, आपने स्पीड में लगा दिया कहीं पर मार्क, तो हो सकता है कभी वो क्वेश्चन नंबर दूसरे में लग गया, ऑप्शन बी की जगह सी में लग गया, राउंड फील हो गया। तो इस तरीके की गलतियां भी बहुत सारी होती हैं जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, जब आपके जब फाइनल मार्क्स आएंगे तब आपको लगेगा कि हो सकता है मैंने कुछ गलतियां की रही होंगी इसलिए मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने मार्क्स कट ऑफ जा रहे हैं, सबको सुनने को लोग मिल रहा है कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा देखो बिल्कुल होता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग की यदि हम जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो अराउंड वो दोस्तों जनरल की कट ऑफ में बात करूं तो वो 400 या 410 तक मतलब सीमित हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल मुझे उम्मीद है। और बहुत सारे लोगों का भी यही कहना है कि जो ये हर साल की बात है अफवाह उड़ाने की कि कट ऑफ इतना जा रहा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों मेरी राय यही है कि आप ज़्यादा पैनिक कंडीशन क्रिएट ना करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। यदि आपको लगता है कि आपके मार्क्स 400 के आसपास हैं, 400 प्लस माइनस 10 में आपके मार्क्स हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए दोस्तों यह प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। जो कट ऑफ है वो इसी के अराउंड रहेगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि आप दोस्तों जो मेरे कट ऑफ का एक वीडियो है लास्ट ईयर में अपलोड किया था उसमें मैंने दिखाया हुआ है कि जो टॉपर्स के मार्क्स थे, जो उसका रैंक फर्स्ट आया था, उसके इंटरव्यू के बाद जो मार्क्स थे उसके 453 मार्क्स गए हुए थे, जबकि उस साल में पोस्ट जो कम आई थी। इस बार तो पोस्ट की संख्या ज़्यादा है तो कट ऑफ दोस्तों ऑलरेडी कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि सर इंटरव्यू के लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि यदि आपके मार्क्स 400 के आसपास अराउंड में हैं तो आप उम्मीद ज़रूर रखिए कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, क्योंकि अभी देखिए दावापत्ति शुरू हो गया है, फिर कुछ क्वेश्चन में भी कोई आप जो सोचते हैं कि इसका आंसर ये हो वो मायने नहीं रखता है, कि पीएससी इसका क्या आंसर ले रहा है डिपेंड वो करता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको ये हवा मत बनाइए कि 450 से ऊपर मार्क्स सबके जा रहे हैं तो हमारा नंबर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो फाइनल आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो इसलिए यदि मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके मार्क्स 400 के आसपास हैं तो आप अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, तो वो आपको लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि तैयारी आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आपके जो है सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे आसानी से, ठीक है। इसके अलावा कुछ ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तैयारी को आप जारी रखिए और ज़्यादा सोचिए मत कट ऑफ के बारे में। अगर आपके मार्क्स उतने हैं तो आप प्रिपेयर करिए अपनी ईमानदारी से, और उसके अलावा कोई अपडेट होगी तो आपको ज़रूर मेरे चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।